नमस्कार ब्यूटीफुल, हमेशा हिंदी चैनल में मैं किरण आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको 5 मिनटों के अंदर खुजली को किस तरह से भगा सकते हैं इसके बारे में बताऊंगी। खुजली होनी बहुत अच्छी बात नहीं होती है और सबसे बुरी बात होती है कि ये आपको बहुत ही एम्बैरेस फील करवा सकती है। अगर आप दोस्त मित्रों के साथ खड़े हैं और आपको खुजली आ गई तो देखने में भी बहुत ही गंदा लगता है, इसलिए खुजली का इलाज करना बहुत ही ज़रूरी है। खुजली होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि आप अपने शरीर की सही से सफाई नहीं कर रहे, या फिर आपकी जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो चुकी है, या फिर आप एंटीबायोटिक का सेवन कर रहे हैं और जिसकी वजह से आपको खुजली हो रही है। तो इन सारे कारणों की वजह से भी आपको खुजली हो सकती है। तो चलिए आज मैं आपको 5 मिनटों के अंदर खुजली को भगाने के लिए कुछ आसान से घरेलू उपाय बताऊंगी। पर दोस्तों, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहला उपाय मैं आपको बताती हूँ खुजली को भगाने के लिए, एप्पल साइड विनेगर बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल होता है और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज की वजह से जितने भी खुजली के कीटाणु हैं वो खत्म हो जाते हैं। इसलिए आपको रुई की मदद से एप्पल साइड विनेगर को खुजली वाले जगह पर लगाना है। ऐसा करने से आपकी खुजली तुरंत ही खत्म हो जाएगी। इसके बाद मैं आपको दूसरा बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका बताती हूँ जिसके लिए आप तुलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तुलसी में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, साथ ही साथ आप नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू में विटामिन सी होता है। आपको तुलसी के रस को ले लेना है 2 चम्मच और 2 चम्मच नींबू के रस को ले लेना है और इसे आपको अपने शरीर पर जहाँ पर भी खुजली हो रही है वहाँ पर लगा लेना है। ऐसा करने से आपके शरीर की जो खुजली है वो 5 मिनटों में ही खत्म हो जाएगी। इसके बाद मैं आपको बहुत ही यूजफुल तरीका बताती हूँ जिसके लिए आपको चाहिए नारियल का तेल। नारियल का तेल एक ऑर्गेनिक तेल होता है और इसके अंदर बहुत ही अच्छी मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज होती है, जो कि ड्राई स्किन को रिलीफ देता है और ड्राई स्किन की जितने भी ड्राइनेस है उसे खत्म करता है। सेंसिटिव स्किन के लिए भी कोकोनट ऑयल काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए आप रोज़ाना शरीर पर थोड़ी सी बूंदे कोकोनट ऑयल की लगा सकते हैं। ऐसा करने से भी आपके शरीर पर खुजली नहीं होगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ आसान से तरीके जिनकी मदद से आप 5 से 10 मिनटों में ही आपके शरीर की खुजली को ख़त्म कर पाएंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी और एक ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।